तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट कैलरीज। तो गाइस, बहुत सारे लोग जो वेट लॉस करते हैं, फैट लॉस करते हैं, उनको कैलरीज कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे इसका सोल्यूशन कि आपको कैलरी कैलकुलेट कैसे करनी है और क्या है इजी वे टू कैलकुलेट कैलरीज। तो आइए इसको एक इंडिविजुअल से समझते हैं। तो गाइस, जैसा कि मेरे पास ये बॉर्बोन का पैकेट है और इसके पीछे इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू लिखी होती है। पर जैसे अगर मेरे पास है बनाना, और बहुत सारे बनाना छोटे होते हैं, बहुत सारे बड़े होते हैं, बहुत सारे थिक होते हैं, बहुत सारे थिन होते हैं, तो अब हमको कैसे पता कि इस बनाने में क्या कैलरीज है? क्या पता इस बनाने में हमको ऑनलाइन बताए कि 100 कैलरीज है, पर मैं दूसरा बनाना खाऊं जो कि थोड़ा सा पतला हो इससे, तो उसमें कम कैलरीज हों, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। इसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला होगा कि कैलरी हमारी बॉडी को चाहिए क्यों है, और दूसरा होगा कैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तीसरा होगा कैलरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप और बेस्ट वे कौन सा होता है, और फोर्थ होगा कि अगर हम कैलरी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे से क्या फ़ायदा होता है। तो भाई, अभी हम बात करने वाले हैं व्हाट कैलरीज डू इन आवर बॉडी। तो भाई, सीधी सी बात है, जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है चलने के लिए, वैसे हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है कैलरीज की अपने अंदर एनर्जी जनरेट करने के लिए, और हम जो भी काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके लिए एनर्जी हमको चाहिए होती है, तो वो कैलरीज हमको देती है, लाइक पेट्रोल इन आवर बाइक, है ना गाइस। तो कैलरीज क्या होती है? कैलरीज गाइस, जैसे आप प्रोटीन पाउडर खाते हो तो 1 ग्राम प्रोटीन में होता है 4 कैलरीज, 1 ग्राम फैट में होता है 9 कैलरीज, और 1 ग्राम कार्ब में भी होता है 4 कैलरीज। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ऐसी चीज़ खाई जिसमें है 10 ग्राम फैट, उससे आपको मिल जाएगी 90 कैलरीज, क्योंकि 9 × 10 होता है 90। तो भाई, जब मैंने ये बताया कि कैलरीज हमारी बॉडी में क्या करती हैं, तो यही बता देता हूँ कि हमारे ऊपर फैट कैसे चढ़ता है। तो गाइज, हर बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2300 कैलरीज, तो अगर मैं 2300 कैलरीज से ऊपर खाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने खाए 2500 कैलरीज, तो जो बाकी की 200 कैलरीज हैं वो मेरा बॉडी फैट के तौर पर स्टोर कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऊँट है, ऊँट अपने अंदर पहले से ही वाटर होल्ड कर लेता है, क्योंकि उसको अगर बाद में वाटर ना मिले तो उससे वाटर यूज़ करता है ना। वैसे ही हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी सर्वाइव के लिए, सर्वाइवल के लिए जो एक्स्ट्रा कैलरीज होती है उसको फैट के तौर पे यूज़ करती है कि आपको फ्यूचर में वो काम दे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है हाउ टू कैलकुलेट कैलरीज, और कैलरी हम कैसे और कहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ले चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो गाइस, कैलरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको प्ले स्टोर पे जाना है और एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है हेल्दी फायर मी। तो गाइस, हेल्दी फायर मी देखो ये ऐप आ रहा है, इसको आपको ओपन करना है डाउनलोड करने के बाद, है ना गाइस। और जो बिगनर्स हैं वो ये यूज़ करें, और अगर आप थोड़े प्रो लेवल पे हो, मतलब आप थोड़े बहुत टाइम हो गया आपको करते हुए और आपको कुछ अच्छे से चाहिए, बहुत डिटेल में आपको ये सब करना है, तो उसके लिए भी अलग ऐप बताऊँगा मैं। तो हाँ, तो गाइस आपको हेल्दी फायर मी ऐप पर आना है, और उसके बाद ये प्लस आइकन पर क्लिक करना है, और जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ से सिलेक्ट करी चाय। तो चाय पे हमारी कितनी कैलरीज हो गई, चाय लेती है हमारी 40 कैलरीज। पर क्या पता आपके घर में आप बड़े कप में चाय पीते हो, तो फॉर एग्जांपल हम वापस गए, आपको सर्च करना है यहाँ पे चाय, और चाय सर्च करने के बाद आपको ml में, जैसे आपके घर पे जो कप है, कप अगर आपका 200 ml का है, जैसे मैंने सर्च किया 200 ml, देखो गाइस 200 ml में आ गई 81 कैलरीज, है ना। और अगर आपके घर पे आपको पता नहीं कितने ml का कप है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, मेजरिंग स्केल, 1 ग्राम इक्वल्स टू होता है 1 ml, तो आप चाय डाल के देख सकते हो कितने कैलरी, मतलब कितना वेट है चाय का, चाय का 200 ग्राम वेट है, इसका मतलब 200 ml, और यहाँ से हमने कर लिया ऐड। तो गाइस आप देख सकते हो, अगर आपने चाय को नाप के तोल के सही से किया है, तो देखो कैलरीज में कितना डिफरेंस आ गया। जो हमने 100 ml करी थी, जो रेगुलर चाय होती है वो 40 कैलरी की थी, और जो हमने अपने घर में पी है 200 ml, वो 80 कैलरीज की थी, मतलब डबल हो गया उससे, है ना गाइस। तो गाइस, कैलरी कैलकुलेट करना बिल्कुल ईजी होता है, और आपको एक प्रो टिप देता हूँ, जब भी आप कैलरी कैलकुलेट करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया यहाँ पे मॉर्निंग स्नैक्स में जाके एग, मैंने यहाँ पे सर्च किया एग, है ना गाइस। तो एग में यहाँ पे आ जाएगा, देखो गाइस ये एग मैंने सर्च किया, यहाँ पे आ जाएगा लार्ज एग आ गया। अब आपने लार्ज सिलेक्ट कर लिया, आपने मीडियम कर लिया, आपने एक्स्ट्रा लार्ज कर लिया, है ना गाइस।
आपने मीडियम एक्सेल आर जंबो कर लिया, तो भाई आपको ये सब नहीं करना है। आपको सिंपली करना है, आपको जाना है ग्राम पे और आपके घर में आपको एक फूड स्केल मंगानी होगी और उससे आपको, जैसे मैंने एक अंडा नापा अपना, मेरा एक अंडा जो मैंने बॉईल करा था वो आया 40 ग्राम का, तो मेरे को इतनी इतनी कैलोरीज मिल रही है। और इसकी जगह अगर मैं लार्ज सेलेक्ट कर लेता, लार्ज वन एग सेलेक्ट कर लेता, देखो कितनी कैलोरीज में कितना डिफरेंट आ रहा है। तो गाइस आपको कुछ भी हो जाए आपको खाना मेजर करके ही खाना पड़ेगा और यही होता सिंपल वे टू कैलकुलेट कैलोरीज, इससे सिंपल वे कोई नहीं होता। तो गाइस ये हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज इजीली। तो गाइस इजीली कैलोरीज जो मैंने जैसे अब आपको बताई थी, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कैलोरीज। और अगर आप डेली एक डाइट फॉलो करते हो, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो डेली, आप मॉर्निंग में सेम खाते हो, लंच में सेम खाते हो, डिनर में सेम खाते हो, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आपको एक कॉपी और पेन या तो अपने फ़ोन के नोटपैड में भी लिख सकते हो, आपको सारी कैलोरीज लिखनी है, सारे मैक्रोज लिखने हैं। अगर आप रोज़ उतना ही खाना खाते हो तो आपको डेली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेली ब्रेकफास्ट में 2 बॉयल्ड एग खाता हूँ, है ना, और 2 बॉयल्ड एग खाता हूँ, तो अब मैं डेली 2 बॉयल्ड एग 2 बॉयल्ड एग सर्च करूँगा, बार बार कैलकुलेट करूँगा, तो उससे मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इससे बढ़िया मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं एक पेन कॉपी लूँगा, उस पर लिख दूँगा कि 2 बॉयल्ड एग में कितनी कैलोरीज होती हैं, और डेली मैं अपने दिमाग में रखूँगा कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, और मैं उसको कैलकुलेट नहीं करूँगा, डेली मैं अपनी पूरी डाइट खाऊँगा, तो कैलकुलेट करने का झंझट बच जाएगा। बस आपको खाना उतना ही खाना है, आप डेली उतना, मतलब डेली आप बराबर खाना खाओ और आपको कैलकुलेट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर आप बराबर खाना खा रहे हो जितना आपने डेली खाते हो। अगर गाइस आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, मेरे को भी समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, पर अगर आपको समझ में आ गई है तो हिट द लाइक बटन और चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। तो गाइस चौथा और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम कैलरी कैलकुलेट नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, और अगर हम कैलरी कैलकुलेट करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होता है। तो इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे, पहले समझते हैं कि क्या नुकसान होता है। तो गाइस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेली 2 रोटी खा रहे हो और आपको लग रहा है कि उसमें 200 कैलोरीज हैं, पर क्या पता आपकी मम्मी ने कल रोटी थोड़ी छोटी बनाई हो और आज बड़ी बनाई हो, तो क्या पता उसमें कैलोरीज डिफरेंट हो सकती हैं, उसमें मैक्रोज अलग हो सकते हैं, उसमें फैट कार्ब्स प्रोटीन अलग अलग हो सकता है ना। और जैसे आपकी मम्मी ने आज रोटी बनाई है, आपकी मम्मी ने आज एक रोटी बनाई है जो कि 50 ग्राम की, और कल आपकी मम्मी ने रोटी बनाई है जो कि 40 ग्राम की, तो मतलब आपने कल के मुताबिक आज कम खाया है, या क्या पता आपकी मम्मी ने कल बनाई हुई रोटी जो 50 ग्राम की हो और आज बनाई हुई जो 60 ग्राम की हो, तो 10 ग्राम का ऐसा फ़र्क आ गया। और आपको पता है इस छोटी छोटी चीज़ें, अगर हम छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और थोड़ी बहुत कैलोरी से भी हमारा वेट लूज़ या फैट लूज़ बहुत स्लो हो सकता है, और अगर आप कैलोरी कैलकुलेट करोगे तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन में रहोगे और साथ ही साथ आपको पता लगता रहेगा आपने कितना प्रोटीन हिट किया, कितना कार्ब हिट किया और कितने फैट्स आपने खाए हैं, और अपना टोटल गोल रोज़ का हिट कर पाओगे, है ना गाइस। और जब तक गाइस आप कुछ भी करो, आप कैसा भी वर्कआउट करो, अगर आपकी डाइट में डेफिसिट नहीं है, प्रॉपर आप प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो, आपके कार्ब्स फैट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी अगर नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं, तो आप कभी फैट लॉस, मसल गेन, वेट लूज कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैलरी कैलकुलेट तो एक सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये अच्छे से पता नहीं है और अगर आप कैलकुलेट नहीं करते हो तो आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे, है ना गाइस। तो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और होप्स हो कि गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आई हो, क्योंकि जितना मुझे नॉलेज था मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से 90% आपको सब बताया। और तब भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको समझ में कुछ आया नहीं है तो आप कमेंट करना, मैं आपके लिए अलग से एक बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिए एक अलग से पेड कोर्स भी निकाल सकता हूँ, जो कि जिसमें मैं आपको कैलरी कैलकुलेटिंग और वेट लॉस, फैट लॉस, कैलरी डेफिसिट, कैलरी सरप्लस सब बताऊँगा। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस। ओए परेशान मत कर, हट चल ओए।